हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीटी मैक्स पर। होली के उपहार के रूप में मिल सकता है पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में ट्रेनों के संचालन का तोहफा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है पीलीभीत से और शाहजहांपुर के बीच में, दोस्तों जो ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ होता चला जा रहा है। फिलहाल दोस्तों जो इज्जत नगर डिवीजन के DRM है आशुतोष पंत जी ने अभी हाल ही में दोस्तों पीलीभीत से और शाहजहांपुर के बीच में जितने भी स्टेशन और हाल्ट पड़ते हैं दोस्तों, उनका बारीकी से निरीक्षण किया और विंडो ट्रेन की यात्री सुविधा को जांचा और परखा है। उसके बाद दोस्तों ये निर्णय लिया है कि पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में ट्रेनों के संचालन का जो रास्ता है वो दोस्तों 9 मार्च के बाद ही साफ होगा, क्योंकि 9 मार्च को पीलीभीत से और शाहजहांपुर की ट्रैक पर दोस्तों जो पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुप कुमार शर्मा जी का दोस्तों दौरा है और ये दौरा संभावित है 9 मार्च को हो सकता है। दोस्तों 99% दोस्तों कयास और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुप कुमार शर्मा जी का दौरा पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में 9 मार्च को होगा और उसके बाद दोस्तों ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ होगा, क्योंकि वो यहाँ की सारी यात्री सुविधाओं और विंडो ट्रेनों को काफ़ी जाँचेंगे और परखेंगे। उसके बाद दोस्तों ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ होगा। उसके बाद दोस्तों आचार संहिता भी हट चुकी होगी। हमने अपनी हर वीडियो में दोस्तों यही कहा है कि आचार संहिता के बाद ही पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में जो ट्रेनों का उद्घाटन और संचालन हो सकता है, ऐसा दोस्तों ये न्यूज़ हमारे पास दोस्तों हमारे सूत्रों के हिसाब से मिली है। और आप हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं रेलवे के किसी वर्क से रिलेटेड, ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मौजूद रहता है, वहां से आप नंबर लेकर हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। फिलहाल दोस्तों 9 मार्च के बाद ही पीलीभीत से और शाहजहांपुर के बीच में ट्रेनों के संचालन की पक्की न्यूज़ निकल कर आएगी, ऐसा मानकर चलिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।